लोकसभा के चुनावों के नजदीक आते ही मिशन मोदी अगेन ने पूरे प्रदेश में गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी के चलते हमीरपुर के सर्किट हाउस में मिशन मोदी अगेन की प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजन सुशांत ने की। मिशन मोदी अगेन का मुख्य उद्देश्य दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर विराजमान करना है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मिशन मोदी अगेन के प्रदेश अध्यक्ष राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक हमीरपुर में आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि इस मिशन का एकमात्र लक्ष्य मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि भारत जल्द विश्व गुरु बन सके। उन्होंने कहा कि इस संगठन को मजबूत करना का काम किया जा रहा है, ताकि चारों सीटों पर भगवा फहराया जा सके। मिशन मोदी अगेन पीएम 2019 के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आज ये हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक हमीरपुर में हुई है। हमारा संगठन विशुद्ध गैर राजनीतिक संगठन है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भारत का पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि भारत जिस तेज गति के साथ विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, ये काम अगले 5 सालों में पूरा हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाए, सभी क्षेत्रों में भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान ग्रहण करे, भारत माता सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हो जाए और भारत का गौरव जो इन सालों में बढ़ा है इससे भी ज़्यादा बढ़े। इस उपलक्ष्य के लिए हिमाचल में हम संगठन को मजबूत करेंगे और फिर लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर भगवा फहराएंगे, ताकि आदरणीय मोदी जी पुनः 2019 में इस देश के प्रधानमंत्री बने।